बढ़ाने की बात कर रहे हैं? देखिए, जो लोग नरेंद्र मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए ये सब बात कर रहे हैं, उड़िया लोग उनको जवाब देंगे। आज मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता, उनके ऊपर भरोसा उड़ीसा में लगभग 70% है। यहाँ 21 का 21 लोकसभा मोदी जी की प्रतिनिधि जीतेंगे। मोदी जी ने यही तो कहा है, इतना अपार संभावना कि राज्य उड़ीसा आज सबसे पीछे क्यों है, यहाँ के लोग काम करने के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं, यहाँ गांव में पीने की पानी क्यों नहीं है, सिंचाई क्यों नहीं हो पा रही है, जमीन में कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं है, मुख्यमंत्री जी के गांव में कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं है, शिक्षक क्यों नहीं है, डॉक्टर क्यों नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। ये नाकाम सरकार, इनकॉम्पिटेंट सरकार अपने मुंह को छुपाने के लिए मोदी जी को गाली गुलज अपमानित करने पे उतरा है। उड़िया लोग उसकी उत्तर देंगे। मोदी जी ने सही कहा, इस बार उड़ीसा के लोग भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने की अवसर देंगे। देखिए, मोदी जी ने जितना पैसा उड़ीसा को पिछले 10 साल में दिया वो शायद पढ़ते लिखते नहीं है। एक अपने शासन सत्ता की नशे में चढ़े हुए हैं। 18 लाख करोड़ रुपया की विभिन्न आयामों में, रेलवे में, रोड में, खनिज संसाधनों में, उड़ीसा की खनिज आय 2014 में सिर्फ 5,000 करोड़ रुपया होती थी वार्षिक। आज वो बढ़ के उड़ीसा गवर्नमेंट की तथ्य कह रहा है वो 49,000-50,000 करोड़ रुपया हो गया। तो पैसा कौन दिया? उड़ीसा में पीने के पानी के लिए मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया दिया है। ये सिर्फ 800 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं। इनको भ्रष्टाचार प्रिय है, उनको ठेकेदार प्रिय है, इनको लूटना प्रिय है, इनको काम करना नहीं है। ये कोरे वादे नहीं है, मोदी जी की हुई काम है। आज उड़ीसा के 3,25,00,000 लोगों को मुफ्त में हर एक महीने में 5 किलो अनाज मिल रहा है। ये विकास नहीं है क्या? ये जिम्मेवारी नहीं है क्या? ये मोदी जी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। लोग इस बार बीजेडी को निकाल देंगे, तोड़ना उड़ना जरूरत नहीं होगा। लोग राज्य में मन बना चुके हैं, मोदी जी पे भरोसा करेंगे, बीजेडी को इस बार सत्ता से निकाल बाहर करेंगे।